नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, रुड़की हब आपके लिए कुछ खास लेकर आता है और आज भी कुछ खास ही लेकर आया है। जी हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको, आज जो खास मैं लेकर आने वाला हूं वो उन युवाओं के लिए है जिनके बाल उम्र से पहले ही झड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। उनके लिए बहुत जरूरी बात आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। और आज हम VHCA क्लिनिक पर पहुंचे हैं और आपको बता दूं, यहां पर आपके बालों का जो इलाज होगा वो सिर्फ वैसे नहीं आयुर्वेदिक इलाज होगा। कोई ऐसी दवाइयां नहीं है जो नुकसानदायक हो। आयुर्वेद आपको पता ही है, कोई साइड इफेक्ट आयुर्वेद के नहीं होते हैं। डॉक्टर साक्षी से बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहती है और कैसे बाल झड़ जाते हैं कम उम्र में ही। जो युवा है वो बहुत परेशान है फिलहाल। अब बात करते हैं डॉक्टर साक्षी जी। डॉक्टर साक्षी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या होता है कम उम्र में बाल झड़ जाते हैं, कितनी परेशानियां हैं और क्या क्या होता है जिससे बाल झड़ जाते हैं, और वो यहाँ पर बालों का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सारी चीजें आज हम इनसे पूछने वाले हैं। आपका स्वागत है रुड़की हब में। मैम, क्या कहेंगी कम उम्र में बाल झड़ जाना, बाल बारीक हो जाना, बालों में डैंड्रफ हो जाना और बालों में कीड़ा लग जाना, बहुत सारी परेशानियां युवाओं को फिलहाल हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है? पहले तो आजकल जो युवा हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जा रहे हैं, डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये मेनली किस वजह से हो रहा है? ये एक तो लाइफस्टाइल लोगों का जो गड़बड़ हो गया है, दूसरा स्ट्रेस आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा होने लग गया है, स्लीप पैटर्न ठीक नहीं रहता है, खान पान ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है। मेजरली ये जो बीमारियाँ हो रही है इसी कारण है। फ़ोन पे लोग रहते हैं, है ना, नींद वगैरह नहीं प्रॉपर ले रहे, ये मेन कारण है। इसके अलावा ये जेनेटिक हार्मोनल भी हो सकता है कि किसी के पिता को रहा हो, है ना, मेटर्नल या पेटर्नल साइड से, ये जेनेटिक भी हो सकता है, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे हम सभी इन बीमारियों का इलाज करते हैं प्योरली आयुर्वेदिक। सारी दवाइयाँ हमारी हर्बल है, VHCA ब्रांड नेम के अंदर बनती है और प्योरली हर्बल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा हम थेरेपीज, HRP थेरेपी जो होता है, जो लोग नॉर्मल लैंग्वेजेस में उसमें हेयर स्पा बोलते हैं, जिसे हर्बल क्रीम्स हो गई, स्टीम होता है, मसाज हम देते हैं, और हर्बल जो VHCA के लेप हैं, खालित्या पालित्या लेप हो गया, अरुणशिका दारुण, इस तरह के लेप आते हैं, वो यूज़ करे जाते हैं। और जितनी भी मेडिसिन है वो सारी जो हम आयुर्वेदिक जो औषधियाँ बोलते हैं, ब्राह्मी हो गया, आंवला है, इसके अलावा रीठा, शिखा काई, आम लोग जानते हैं इसको, नीम हो गया, इन सब सबसे बनी हुई है ना। मतलब जो दिक्कतें हैं वो क्या आयुर्वेद की जो दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं उनसे दूर हो जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को रहता है ना कि आयुर्वेद से कैसे दूर होगा, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बाल आ जाए, लंबा प्रोसेस होता है, तो उसको प्रोसेस कैसे होता है सर? देखिए, जो हेयर और डर्मा की जो डिजीजेज है ना, इनमें जितनी भी डिजीजेज है, चाहे आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, मिनिमम 6 महीने से साल भर का टाइम तो आपको देना पड़ता है कि रिजल्ट आए। कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आज कोई भी डॉक्टर आपको दवाई देगा और कल एकदम आपके सर पे बाल उग जाएंगे, है ना, टाइम तो। दूसरा, दवाइयों के साथ साथ आपका खान पान भी, हम यहाँ से डाइट बता के भेजते हैं, साथ में थेरेपीज करवाते हैं, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, है ना। जो रिजल्ट अब मतलब बालों का झड़ना एक तो हम लोग रोक देते हैं, डीले कर देते हैं, है ना, ये सब दवाइयों से हो रहा है और थेरेपीज से हो रहा है। लेकिन ये है कि सिर्फ ये नहीं है, डॉक्टर का काम भी है, पेशेंट का भी साथ में काम है कि वो डाइट प्रॉपर ले, नींद पूरी ले, एक्सरसाइज करे। ये नहीं कि सिर्फ दवाइयों से वो ठीक हो जाएगा। तो हम तो अपना काम एज अ डॉक्टर कर ही रहे हैं, हम पेशेंट को भी समझा के भेजते कि उसे क्या क्या करना है। तो बिल्कुल रिजल्ट आते हैं, फॉलोअप पे हमारे पास पेशेंट आते हैं। और VHCA का तो बहुत पुराना ब्रांड है, ये 2000 से हेयर फील्ड में है, है ना, ऐसा नहीं है कि नया ब्रांड है। तो बहुत पेशेंट्स। शुरुआत कब से हुई थी VHCA की, जो हेयर क्लिनिक है शुरुआत कहाँ से हुई और यहाँ पर आपने ये क्लिनिक खोला है रुड़की में, उसको लेकर क्या? VHCA जो है ये ब्रांड 2000 से हेयर फील्ड में, इससे पहले से जो है, जो डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जो MD है ना VHCA के, इनके फोर फादर्स यानी दादा परदादा भी डॉक्टर वैद्य रहे हैं, है ना, तो उनसे उन्होंने सीखा है और वो सारा जितना भी आयुर्वेद का ज्ञान है उन्होंने VHCA में डाल के ये ब्रांड बनाया है, है ना। तो ये ऐसा नहीं है हेयर फील्ड में आज से कम आज 23 साल हो गए हैं इस ब्रांड को, है ना, तो ऐसे नहीं है पेशेंट्स हमारे से नए हैं, बहुत पेशेंट है जो बालों का इलाज लेके खुश होके गए हैं और नए पेशेंट्स भी आ रहे हैं, फॉलोअप पे पेशेंट्स आते हैं रिजल्ट लेकर। एक एक ऐसा होता है कि एक बार पेशेंट हमारे पास आया और एक महीने बाद जब वो दोबारा आता है तो रिजल्ट लेके आता है कि मैम हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। तो लोग बोलते हैं कि जो गंजा हो जाता है, गंजापन जिस पर आ जाता है, तो उसमें बोल देते हैं कि भाई ये दवाई खाने से उसके बाल उग जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं,
कि ये दवाई खाने से आपको ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा ना, ये नहीं है कि आपको ये बोल जाए कि चलो आंवले का तेल लगा लो उससे आ जाएंगे, नहीं, प्रॉपर आपको हर बाल झड़ने के भी 10 कारण हैं और ना जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा, उसमें उसका अलग ट्रीटमेंट है। मेल पैटर्न बाल्डनेस जो है पैटर्न में जिसमें हेयर लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट अलग है, तो वो बहुत ज़रूरी है आप किसी हेयर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो डायग्नोस करेगा कि किस तरह का आपको हेयर फॉल है, किस कारण से हो रहा है और उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ दें। जो लोग जो मेल पैटर्न बाल्डनेस में जो बाल जाते हैं वो उसका सोल्यूशन वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट है, उसके अलावा एलोपेशिया एरियाटा वगैरह ये दवाइयों से आ जाते हैं और थेरेपी से। रुड़की के युवा भी दिल्ली चंडीगढ़ ऐसी जगह जाते हैं बाल लगाने, तो अगर उन्हें बाल लगवाने हैं और प्रॉपर उन्हें इलाज मिल जाए यहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे सब एक ही टेरेस के नीचे एक छत के नीचे सभी तरह के इलाज दे रहे हैं आपको, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, थेरेपीज भी दे रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट भी हम आपको यहीं रुड़की में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग आए यहाँ पे और दिखाएं, डायग्नोस करवाएं क्या किस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, किस तरह का आपको हेयर फॉल हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट लें। तो बता दूं अगर आपके बालों में प्रॉब्लम्स आ रही है, बाल झड़ रहे हैं, बाल बारीक हो रहे हैं, बालों में कीड़ा लग रहा है, बालों में डैंड्रफ है, तो उनका इलाज यहाँ पर संभव है, वो भी आयुर्वेदिक तेलों से और दवाइयों से। लेकिन अगर आप गंजे हो चुके हैं, वाकई में आपको बता दूं वो बाल नहीं आ सकते, उसका एक ही सोल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट, और वो भी यहाँ पर होता है और वो भी किफायती रेटों में। क्या हाँ जी, जो जो एकदम ही गंजे हो चुके हैं, जिनको सालों से जैसे बाल नहीं है, 5-6 साल हो गए हैं, पूरे सर से बाल चले गए हैं, या मेल पैटर्न बालनेस जिसे बोलते हैं, पैटर्न में बाल जा रहे हैं, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इस पैटर्न में जिनके बाल जा रहे हैं, तो जिस एरिया पे बाल नहीं है वो तो हम नहीं ला सकते, लेकिन जो उसके फर्दर जो बाल बचे हैं सर में, एक तो उनको हम लोग उनकी जड़ें मजबूत कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही नहीं, उससे भी चीप एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं हेयर पैच या हेयर फिक्सिंग। हम आपको 15 मिनट का प्रोसीजर है, आप हेयर फिक्स, जिनको ट्रांसप्लांट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगा लगता है उनके लिए, हमारे पास सबसे सस्ता सोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं हेयर फिक्सिंग, तो वो भी आप लोग करवा सकते हैं। तो दोस्तों उसके साथ यहाँ पर आपको अगर विग्स कोई लगाना चाहता हो तो विग्स भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है और आप अपने बाल बचाना चाहते हैं तो चले आइए VHCA हेयर क्लिनिक में, आपके बाल 100% की गारंटी है कि अगर आपके बाल उड़ रहे हैं या झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है या कीड़ा लग गया है, तो उसकी 100% की यहाँ पर गारंटी भी आपको बता दूं। और मैंने विग की बात की, विग को लेकर क्या कहेंगे? बहुत आज के जो आज का जमाने में जो जनरेशन है हमारी, कोई भी नहीं चाहता सफेद बाल या फिर बाल झड़े हुए, सबको फैशन करना है, तो वो सबसे बेस्ट उसके लिए हम हेयर स्टाइल ही बनवाते हैं, है ना। तो हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक विक्स दोनों है और बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पे है, और आप उसको अपने हिसाब से स्टाइल करवा सकते हैं और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। मेन बात है बहुत अफोर्डेबल रेट्स है ना, और नेचुरल है, कोई इसके कोई उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको रोज रोज दिखाना है, कुछ नहीं, एक बार फिक्स हो जाता है, आपको मंथली फिर उसकी सर्विस करवानी पड़ती है ना, ग्लू वगैरह की, उसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग हेयर फिक्स, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल हेयर फिक्स या विक्स के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप विक्स चाहते हैं वो भी किफायती दामों पर, तो आज मैं आपको बता दूं आप आ सकते हैं VHCA हेयर क्लिनिक में जो दिल्ली रोड स्थित है। एक बार एड्रेस बता दीजिए मैम। और एक ये हेयर क्लिनिक SBI बैंक के निकट मोहनपुरा दिल्ली रोड रुड़की। तो भाई अब बाल भी आ जाएंगे जब से जब ये रुड़की में आया है ना, क्योंकि आज से नहीं है, 3 पीढ़ी हो गई है इस कार्य को करते हुए, इनके दादा परदादा यही चलाया करते थे क्लिनिक, और मैं आज यहाँ पर खुल चुका है और आप देख सकते हो मैं भी कोई VHCA, अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। दोस्तों ये वो दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक जिनसे आपके बालों का ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए हमारे पास यहाँ सभी जितनी मेडिसिन दिखनी है, एक तो ये सब हर्बल मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट आपको एकदम ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट हम बोल रहे हैं कि साल भर में 2 साल बाद देंगे, विदिन 3 to 6 months आपको रिजल्ट देखने फर्क आपको लगने लग जाएगा बालों में। ये हमारे पास यहाँ पे लेप है, आयुर्वेदिक लेप है, अरुंशिका लेप है, पालित्य लेप है, हमारे पास खालित्य लेप यहाँ पर है, है ना। इसके अलावा हमारे पास अनियन शैम्पू है, हेयर ऑयल है, ठीक है, प्याज का सबको ही पता है प्याज कितना फायदेमंद है बालों के लिए, तो उसके एक्सट्रैक्ट इसमें, इसके अलावा हमारे पास वर्धिनी हेयर ऑयल है, वर्धिनी शैम्पू है, इसमें ब्राह्मी हो गया, नीम है ना,
आंवला हमारे पास है, जो जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हमारे बालों के लिए फायदेमंद है वो सभी इनमें, उन सभी के गुण हैं इनमें। इसके अलावा जो है सिर्फ आयुर्वेदिक, जिसको हम बोल रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन विद मॉडर्न ब्लेंड, तो हमारे पास हेयर सीरम है, शैम्पूज ऑब्वियसली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं, सीरम हम लोग यूज़ करते हैं, कंडीशनर हमारे पास है। तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास लेप या वटियाँ ऐसे हैं, कैप्सूल्स हमारे पास यहाँ पे है ना, इसका भी आयुर्वेदिक है लेकिन एक मॉडर्न ब्लेंड के साथ, कि इजीली आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी खाने में। ऐसा नहीं है कि बहुत डोजेस वैसे हैं, बहुत बहुत फायदेमंद दवाइयाँ हैं।